technically sound good acting for the most part and a pakistani movie that actually looks like a movie you know my favorite thing about the movie is like it feels like a like a movie what's not to like pakistan mein behtareen standards se so bani hui film itni achambe ki baat hai कि ऐसी फिल्म को इस किस्म का रिव्यू देना जो किसी रॉबस्ट एनवायरनमेंट में आप किसी वर्क ऑफ आर्ट को दे सकते हैं थोड़ा मुश्किल काम मैंने फिल्म देखने से पहले एक्टर्स के पंजाबी एक्सेंट्स पर काफी एतराज सुना था लेकिन मेरा ख्याल है कि कि वो मोस्टली था ये कह सकते हैं ज्यादातर एक्टर्स कहीं कहीं में में है है, अपनी जबान नहीं है बट आई फील इट्स मेनली साइकोलॉजिकल एंड इवन इफ नॉट इट्स नॉट वेरी जारिंग सर्टनली नॉट एज एज एक्सेंट इन जिंदा भाग टलती उट नहीं नहीं। के पर के मेरे लिए, फारिस शफी की भी क्योंकि मेरे लिए किसी भी फिल्म किसी भी स्क्रिप्टेड आर्ट फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है और इस पर्टिकुलर मूवी में तो जहाँ पर एक ग्रेटुअ वायलेंस है और मतलब एक धड़ाधड़ जो है आपको कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर चढ़ता हुआ ऑलमोस्ट महसूस होता है वो वायलेंस वहाँ पर फारिस शफी का कैरेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड रेस्क्यूज़ द मूवी फ्रॉम बिकमिंग अ कम्प्लीटली वन नोट मूवी मुझे जो फेरिस व्हील के ऊपर माहिरा खान और फवाद खान का सीन था वो बहुत खूबसूरत लगा अगेन उसमें भी थोड़ा सा यू नो यू फेल्ट यू कुड ब्री अ लिटल बिट फॉर अ वाइव एंड उसमें जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था वो जब गाना गाना शुरू करते हैं तो फवाद खान गाना खाना शुरू करते हैं और उनकी आवाज़ से आपको पता लगता है कि ये एक सिंगर की आवाज़ है और फिर जो नेक्स्ट बंदा दूसरे सीन में उसको पिकअप करता है वो फारिस शफी हैं जो कि वो भी एक पाकिस्तानी पॉप सिंगर हैं तो आई थॉट दैट मेटा नॉड टू पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िकट कूल इस मौला जट की दुनिया पंजाब से ज़्यादा एक मिश मैश पॉप कल्चरल दुनिया है यहाँ गंडासा एक कूल किस्म के फैंटेसी जॉनरा से इंस्पायर्ड वेपन बन जाता है यहाँ पर ढाबा एक कंट्री वेस्टर्न सलून या ड्रिंकिंग होल बन जाता है माहिरा ख़ान की स्टाइलिंग एम्बिगुसी है सर्टेनली नॉट पंजाबी इन द वे वी नो एनीथिंग पंजाबी बट ये डायरेक्टोरियल डिसीजंस हैं एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद दम तो इस हिसाब से देखें तो डायरेक्टर के मुताबिक पंजाब में और चीज़ें तो मॉडिफाई हो सकती हैं उसको हम एक फैंटसी लेवल पर लेकर जा सकते हैं लेकिन एक चीज़ जो पंजाब में ऐप्स लूटली है और वो हम इमेजिनेशन में भी नहीं बदल सकते वो है औरतों का सेक्चुअल बेट के तौर तो पर इस्तेमाल होना औरतों और की थ्रेट ऑफ रेप को एक कॉन्स्टेंट प्लॉट डिवाइस होना डायरेक्टर ने सोचा कि हम एक ऐसा पंजाब बनाते हैं जिसमें मज़हब का कोई नामो निशान ना हो जिसमें नेशनलिज्म का कोई वजूद ना हो जहां पर खेतों खल्याणों से ज़्यादा फोर्ट्स दिखाई देते हों पर असी ऐसी फिल्म बनाई है जिदे विच बच्चियाँ भैन तीन चार बारी रेपा तो नसन ना इन्नी भी नहीं सा इमेजिनेशन अगे बढ़ सकती बहुत से लोगों ने कहा कि हुमायमा मलिक का किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग है और एक एम्पावर्ड खातून को दिखाता है स्क्रीन पे लेकिन अगर आप गौर करें तो सबसे पहले जब हम ममिक को स्क्रीन पर आते देखते हैं दारो नाथ के कैरेक्टर में तो वो आंदे ये सार उड़ा देंगे बंदे दा पर वो सिचुएशन क्या है वो सिचुएशन एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जहाँ पर एक जिरगा स्टाइल बैठा हुआ है वो एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर कोई कॉम्पेटिव सिचुएशन नहीं है वहाँ पर आके वो फजूल किस्म का मतलब ग्रेट आप सर दिखा रहे हैं फुल यू नो आई एम श्योर के जो uh, यंग लोग इसी किस्म के गेम ऑफ थ्रोन्स और ग्लैडिएटर और इस किस्म के वायलेंस पे पले हैं उनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील लेकिन आई जस्ट थिंक दैट जनरली वायलेंस शुड हैव अनिंग वेर एवर इट इज़ यूज और ख़ासतौर पर जब वो बिल्कुल रुके बगैर तसलसल के साथ सिर्फ वायलेंस होता है तो वायलेंस इन इट सेल्फ अपना इम्पैक्ट लूज कर देता है सो एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू हैव एन इम्पैक्ट इट हैज़ टू भी यूज पेयरिंगली एंड आई फील लाइक इट का I'm somebody who's averse to violence. I was watching the movie and there was so much violence in it after while, I was numb and I didn't even care. Ki si kasa, whatever. So it didn't have an impact on me. So I think uh, that directorially probably, you know, you need to be able to use humor and violence and whatever else that it is that you're using in a way that it has actual impact on your audience. तो खैर वो सर उड़ा देती हैं इस सिचुएशन में लेकिन जब बाद में एक्चुअल कहीं पर कोई कॉम्पेटिव सिचुएशन आती है तो वो एक लात एक घूसा भी मारने के काबिल नहीं होती उनका कैरेक्टर ये दिखाया गया और वो फटाफट फट फोल्ड हो जाती हैं इसके अलावा वो सीन जहां पर नूरी नत दारो नत को पग पहनाते हैं सरदारी की वो सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो सीविंगली बड़ा एम्पावरिंग सीन लगता है कि भाई वाह औरत को आपने डिसाइड कर लिया कि वो लीड करेगी लेकिन उससे पहले ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़रूरी डायलॉग है जिसमें जब वो नूरी नथ को सरदार बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि मुझे सरदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए क्योंकि मेरा नाम ही काफ़ी है पावर जो है वो किसी सिंबलिज्म से नहीं आती वो एक्चुअली आपके अंदर मौजूद होती है और लोगों में जो आपकी रेपूटेशन होती है वही काफ़ी होती है उस पावर के लिए सो बेसिकली इट्स एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग एंड वेरी फिलोसॉफिकल पॉइंट अबाउट पावर एंड उसी सेकेंड आप जो है वो पग जो है वो दारों के सर पर डाल देते हैं तो बेसिकली इसशली आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई की दी हुई पावर पावर नहीं होती खुद विन की हुई पावर ही पावर हो सकती है मेरा ख्याल है ये शायद थोड़ी सी गहरी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी जो मेरा नहीं ख्याल के फिल्म बनाने वालों के दिमाग में थी अगर थी तो बहुत अच्छी बात है लेकिन देन इट इज़ अंडरमाइंड इफ इंडियड इट वॉज़ द आइडिया बाय द फैक्ट के मौला जट की जो माँ हैं वो बाद में जाके कहती हैं कि हर माँ को जरा मौला चाहिए अपने ना देना ना टिड्डा ज मौला नाल लो खिलोता होंगे कि हर जहाँ है मुंडा आके काम यही है सो बेसिकली इट द होल थिंग मेक्स यू फील कि खवातीन का जो रोल है वो लार्जली यही है कि वो मर्दों से प्रोटेक्ट होंगी और अदरवाइज़ यू नो उनकी इज्जत लूट ली जाएगी और वो डिसऑनर हो सकती हैं और मतलब तो वो एक बेसिकली रेप का जो थ्रेट है वो उनके सर पर कॉन्स्टेंटली लटकता रहेगा आ, या रेप या फिर अगर माँ है तो उसकी लैक ऑफ प्रोटेक्शन का थ्रेट बहरहाल जी ये गुड और ईवल के दरमियान लड़ाई का एक ग्रैंड नैरेटिव है लेकिन अगर आप इसमें ईवल की डेफिनेशन को तलाश करने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी ना तो ईवल क्यों है बिकॉज दे इंजॉय देयर ईवलनेस जट अच्छे क्यों हैं द बिकॉज दे आर नॉट वेयरिंग ऑल ब्लैक मतलब शोले में गब्बर सिंह इसलिए विलन है क्योंकि वह गांव वालों का अनाज और हार्ड लेबर उनसे चुराता है यहां पर हमें इस किस्म के किसी रीजन की कोई जरूरत नहीं है ना ये जानने की कि मौला जट के पेरेंट्स को कत्ल क्यों किया जाता है राइवलरी की मॉरल या मटेरियल बेसिस क्या है ओरिजिनल मौला जट उस जमाने की फिल्म है जो तब आई जब जिसे पाकिस्तानी फिल्मों का जवाल कहते हैं वो शुरू हो चुका था वैशी जट उन्नीस और मौला जट उन्नीस एक्चुअली इस जवाल की वजह समझी जाती हैं क्योंकि मौला जट की मैसिव सक्सेस के बाद जैसा कि अमूमन होता है धड़ाधड़ उसी किस्म की दर्जनों फार्मूला फिल्में बनना शुरू हो गई जिन्होंने पॉपुलर इमेजिनेशन में पंजाबी मैस्कुलिनिटी को मौला जट के साथ एसोसिएट कर दिया एंड इट वाज रिड्यूस्ड टू बीइंग द ओनली काइंड ऑफ पंजाबी मैस्कुलिनिटी पॉसिबल और अवेलेबल इसकी वजह से द सिनेमा केम टू बी एसोसिएटेड विद अ सर्टेन काइंड ऑफ वैसे भी विदर्टन पर अवेलेबल इंडियन फिल्मों ने सिनेमा के बिजनेस को बहुत मुतासर किया था और सिनेमा में सिर्फ उस आदमी का आना जाना रह गया जो कि एक लाउड वायलेंस और सेक्चुअल इनवेंडो से ग्रेटिफिकेशन हासिल कर सकता था और बदतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी और चरबा स्क्रिप्ट से उसको कोई खास सरोकार नहीं था अब अगर आप सोशल साइंसेस के ग्रेजुएट हैं तो हो सकता है कि आप ये कहें कि यह सब क्लासिस्ट मेंटालिटी है और गरीब आदमी की एंटरटेनमेंट की तरफ कॉन्डिसेंशन है तो मैं ये कहूँगी कि यह गरीब आदमी वाली बात आपने खूब की क्योंकि ये गरीब औरतों की एंटरटेनमेंट तो नहीं थी ट्रेडिशनली पंजाब की कॉमन वुमन की एंटरटेनमेंट तो गीत बोलियाँ टप्पे और गिद्दा था और इन फिल्मों में उस किस्म की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं थी दूसरा जहां तक गरीब आदमी का ताल्लुक है तो इन मूवीज का बेसिस जो है वो कास्टिस्ट है तो नहीं कभी नहीं मारते अगर कमी आपको नहीं पता क्या होता है तो हाथ से काम करने वाले शख्स को पंजाब में कमी कहा जाता था कास्ट के हवाले से वो जो अपने हाथ से काम करके कमाते हैं वर्सेस वो जट वो फ्यूडल्स जो लैंड ओनिंग हैं और जिनको हिलके कुछ करना नहीं पड़ता और फिर गरीब आदमी की बात कीजिए तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब आदमी का जो है वो सिर्फ इस हद हाँ तक ही दिमाग जा सकता है उससे आगे ना हम आ, सोच सकते हैं कि पंजाब में कभी कुछ सोचा गया है ना यहाँ पर कभी कोई फिलॉसफी आई है ना कहीं कोई सूफी आए हैं ना कोई अजीम सोच आई है आ, ना यहाँ पर यू नो गानों का खेतों का खलीनों का जो भी मुख्तलिफ किस्म के रूरल और अब हर किस्म का अर्बन कल्चर है वो सब जो है अब उसको डिस्काउंट कर दें और गरीब आदमी का बस गंडासा और सेक्चुअल वायलेंस और रेप की थ्रेट और ये यह बस यही कल्चर है उसके अलावा जो है और कोई कल्चर नहीं हो सकता तो अगर आप गंडासा मूवी पर शेड करें अगर आप पंजाबी मूवी पर शेड करें तो आप गरीब आदमी पर शेड कर रहे हैं नहीं हम इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि पंजाब का और लार्जली कहीं और भी अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं स्टीरियोटाइप कर रहे हैं लोगों को सिर्फ एक ही डब्बे में बंद कर रहे हैं तो गरीब पंजाब का आदमी इसके बियॉन्ड भी जा सकता है और ना सिर्फ जा सकता है उसके और जड़ों में हैं ये सब चीज़ें जो कि पॉपुलर कल्चर में कभी भी नुमाया नहीं हुई उन्नीस सौ पचानवे के इर्द गिर्द जब पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल का एक आई सपोज पहला दौर स्टार्ट हुआ हमारी नज़रों के सामने तो तब उन्हीं लोगों ने जो पहले गंडासा फ़िल्में बनाते थे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की फिल्में बनाने की कोशिश की जिसको हम फैमिली एंटरटेनमेंट कह सकते हैं और फैमिली ऑडियंस को वापस सिनेमा में लाने की कोशिश की और ये वही लोग थे सैयद नूर सज्जाद गुल वगैरह और इन्होंने ये डर जो डर गया वो मर गया घूंघट चूड़ियाँ निका संगीता ने बनाई इस किस्म की फिल्में बनाकर थोड़ी सी डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश किया माहौल में और कुछ हद हाँ तक वो कामयाब भी हुई लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है वो ज़्यादा देर अपने आप को सस्टेन नहीं कर सका बिकॉज आई गेस जिस किस्म की क्रिएटिविटी चाहिए आपको जिस किस्म के स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए जिस किस्म की इन्वॉलमेंट चाहिए वो एक पूरा कल्चर होता है जिसके अंदर से वो सब कुछ उभरता है और वो सैडली हमारे यहाँ ना उस वक्त मौजूद था और शायद ना अब मौजूद है सो so बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये गंडासा सिनेमा जो है वो इतना फॉर्मूला उसका इट रैन इट सेल्फ थिन और लोग इतने तंग आ गए वो लोग भी जो इसको पहले सस्टेन कर रहे थे कि इट डाइड इट्स नेचुरल डेथ लेकिन फिर सन 2000 में मैंने हॉटस्पॉट कैफ़े जो कि एक बहुत ही आ, अपर क्लास बच्चों का एक कैफ़े होता था पहले इस्लामाबाद में स्टार्ट हुआ और फिर लाहौर में वहाँ पर मैंने गंडासा फ़िल्मों के पोस्टर्स देखे साथ लगे हुए थे ये हॉलीवुड की स्लैशर फिल्म्स के पोस्टर्स के साथ तब से मैंने पाकिस्तान में पंजाबी गंडासा फ़िल्मों की अन आयरनिक अपर क्लास अप्रोप्रिएशन का आगाज़ देखा एक ख़ास किस्म के उमरा और मुल्क से बाहर पड़े हुए इंटेलेक्चुअल्स का इन पोस्टर्स को अपने घरों और अपने कैफेज में डिस्प्ले करना मुल्क के आम लोगों के साथ अपने आप को जोड़कर एक पर्टिकुलर कल्चरल ऑथेंटिसिटी प्रोजेक्ट करना था बिलाल लाशारी की द लेजेंड ऑफ मौला जट शायद इस ट्रेंड की इंतहा है आप एक यंग पाकिस्तानी हैं आप वेस्ट में फिल्म स्टडीज पढ़ने गए हैं वहां पर आपसे सबसे पहला सवाल यह होता है कि आपका अपना कल्चर क्या है आप उसमें टैप कीजिए आपने अपने आप को इंडियन फिल्मों से किसी तरह डिस्टिंग्विश करना है आपने ये साबित करना है कि आप जहाँ से आए हैं उसका कल्चर एक्चुअली कोई अलहदा कल्चर है और वो नॉर्थ इंडियन गंगा जमनी कल्चर से मुख्तलफ है तो आप अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखते हैं और आप सोचते हैं कि उस सारे ग्लोबल कल्चरल वेस्टलैंड जिससे आप आए हैं उस सब में से मैं क्या चुनूं जो कि पाकिस्तानी है ज़्यादातर उस खास सोशल मलू से बिलोंग करते हुए बच्चे बेबी टीवी से शुरू होते हैं फिर कार्टून नेटवर्क उसके बाद निकलोडियन और फिर नेटफ्लिक्स पर ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके अपने फिजिकल जोग्राफिकल माहौल में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो उनके पॉप कल्चरल लैंडस्केप का पार्ट हो सबसे ज़्यादा कलेक्टिव कल्चरल मेमोरी में ज़िंदा चीज़ फॉर वेरियस रीजंस आपको मौला जट नज़र आती है तो आप उसे प्लक कर लेते हैं मैं ये नहीं कह रही किसी बुरी नीयत से मगर एक फॉरेनर के तौर पर आप अपने लैंड को एक फॉरेनर की निगाह से देखने पर मजबूर हैं क्योंकि यही ग्लोबल वेस्ट लैंड की रियलिटी है जैसे मडना मेहंदी लगाती है या सलीना गोमेज बिंदी पहनती है या क्लोकॉर्डेशन नकाब लेती है यू बेसिकली प्ले एक्टिंग एट अ कल्चर जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ कल्चर बिल्कुल बाइफरकेट हो जाता है जैसे एक तरफ लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को केटर करता हुआ पाकिस्तानी ड्रामा या चीखते दहाड़ते टॉक शोज और दूसरी तरफ न्यूयॉर्कर पढ़ते हुए अंग्रेजी में बोलते और लिखते हुए सोफिस्टिकेटेड बर्गर्स एक ऐसा कंटेंट जिसे हम मिडल ऑफ द रोड या मिड ब्राउ कह सकते हैं वो पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स के आने के बाद खत्म हो गया उससे बढ़कर इस कंटेंट की याद भी लोगों के जहन से महव हो गई और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हिस्टोरिकल इरेजर भी इस कल्चरल वेस्टलैंड की तरफ आपको धकेलता है पंजाबी में तो ये मसला शायद और भी शदीद है जहाँ पर पंजाबी कल्चर ज्यादातर एक करिकचर में डिसेंड हो चुका है खैर सो so इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कॉपी ऑफ अ कॉपी चल तो जाती है लेकिन सवाल ये है कि वेर डू वी गो फ्रॉम येयर क्या अब हम एक नए गंडासा एरा में री एंटर हो जाएंगे दिस टाइम अराउंड इट विल लुक अ लॉट कूलर दो राइट बात तो यह है कि जिस मुल्क में सच कहना इतना मुश्किल हो जितना पाकिस्तान में है वहां पर एक हवाई दुनिया में एक नॉन स्पेसिफिक किस्म की गुड और ईवल की जंग ही दिखाई जा सकती है रियलिटी जैसे कि जॉयलैंड फिल्म में है उसे बैन ही किया जा सकता है एनी anyway, वे जट एक बहुत वेल मेड फिल्म है लेकिन इसे पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल कहना कबलज वक्त होगा अगर हम वापस गंडासा एरा में ही जा रहे हैं तो थैंक्स बट नो थैंक्स Lakinagar Bilal Lashari has some other tricks up his sleeve, though I am more than eager to watch.